देखिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई बदलाव नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे बनना था। सत्ता लोलुपता के कारण जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के दो फाड़ किए। और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों माँ बेटे मिलकर हिंदुस्तान को बांटने में लगे हैं, क्योंकि क्योंकि ये हिंदुस्तान में राज ही करना चाहते हैं। जब इनके हाथ से सत्ता छूट जाता है तो इसी प्रकार की बौखलाहट होती है, जैसे आज नेशनल टेलीविजन में आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बौखलाहट को देखा है। यह बौखलाहट मैंने बहुत कम देखा है। जिस प्रकार से इस उम्र में आके अखिलेश जी बौखला रहे हैं, यह बौखलाहट हम छोटे छोटे बच्चों में भी नहीं देखते हैं। क्यों? जब सत्ता छूट जाती है तो गांधी परिवार इसी प्रकार का व्यवहार करती है। जब सत्ता छूट जाती है तो ओसामा बिन लादेन इनके लिए ओसामा बिन लादेन जी बन जाते हैं। जब सत्ता छूट जाती है, हाफिज सईद इनके लिए हाफिज सईद जी और साहब बन जाते हैं। पाकिस्तान में षड्यंत्र करने के लिए ये भेज देते हैं लोगों को। इनकी ये हालत है। और पीड़ा क्या होती है, ये सोनिया जी से पूछिए। जब राजगद्दी हट जाता है ना, तो कांग्रेस के राज माता की हालत क्या होती है, ये पूछिए पीड़ा। और ये रोज पीड़ा पीड़ा क्या, ये रोज पीड़ा पीड़ा क्या करते रहते हैं? आप कौन से हकीम है? ये रोज पीड़ा, मेरे को पीड़ा, रोहित को पीड़ा, देश को पीड़ा। अरे अपनी पीड़ा ठीक करिए। ये जो पीड़ा हो रही है ना सत्ता से हटने का, ये पीड़ा पे मलहम लगाइए, मलहम। देश बेचने का काम नहीं, नहीं आपको, आपको एक सेकंड मिलेगा, आपका एक सेकंड मिलेगा। ये मलहम लगाने का काम करना है ना, तो अपने जले हुए दिल पे मलहम लगाइए। ये ना ना जवाब नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, आपका जवाब नहीं चाहिए। आपका जवाब कौन चाहता है? जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर, आतंकवादियों के मरने पर जब सोनिया गांधी रोती रहती है, निश्चित रूप से मैं अभी भी कह रहा हूँ अपने पक्ष नहीं जाना, क्योंकि ये जिस दिन के बोले हैं उसके बाद आपने बहुत सी बातें कही हैं। हम उनके पक्ष में नहीं है, हम उनके पक्ष में नहीं है। इनके लोग अभी तक ये जेल के अंदर क्यों नहीं, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? किसने रोका है आपको? किसने रोका है इस केंद्र की सरकार को? दिल्ली में इनकी हुकूमत है, कश्मीर के लोगों को किसने रोका है? पंजाब में जो लोग आरआर देश के खिलाफ बोल रहे, किसने रोका है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ न्यूज आइटम बनाने के लिए है? और उसके बाद भी जो चीजें दी गई उसको क्या आपने जस्टिफाई किया? हमारा कहने का बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद भी आपने बहुत सी चीज दिखाई, अभी बोल रहे थे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जो खिलवाड़ करे हमें उससे सिंपैथी नहीं है, पीड़ा का असर है। और बता रहा हूं, कौन टेररिस्ट होता है वो आज कोर्ट के पास गए हैं, ये सरकार का अचीवमेंट है। और जहां तक रोहित जी पूरे बड़े विषय का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज मीडिया जगत में भी, आज पॉलिटिकल जगत में दो फाड़ हो गया है। वो लोग जो देश के साथ खड़े हैं और वो लोग जो देश के विरुद्ध खड़े हैं। और रोहित जी, मैं इतने दिनों से आपके साथ डिबेट करता हूं, ये जनता का विषय है, मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मैं कहता हूं लोग किसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये जानता हूं। आज मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बड़े काम में देश की मदद की है। और अखिलेश जी, आप सच्चाई को समझ लीजिए, जनता से बड़ा कोई नहीं है। क्या बोल रही है, कोई डॉक्टरिंग नहीं हुई है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ जो आरोप लगा रहे हैं वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अखिलेश प्रताप सिंह, यहाँ पर कोई डॉक्टरिंग नहीं हुई है, और अगर आपने साबित नहीं किया, अखिलेश प्रताप सिंह, अगर आपने साबित नहीं किया तो आप माफी मांगेंगे। मीडिया जगत आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, माफी मांगिए। आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, कोई डॉक्टरिंग नहीं हुई है। कल रात 9 बजे डीएनए देखिए, और कल आज रात 9 बजे डीएनए देखिए, वही कन्हैया जिसकी आप लोग पैरवी करते हैं, आप लोगों के मुंह पे तमाचा देगा। सर आप जाइए सीएफएसएल लेकर इसको वीडियो को, और साबित कीजिए कि डॉक्टरिंग हुई है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अखिलेश प्रताप सिंह आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है, नहीं तो माफी मांगिए। हमारा साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है या माफी मांगिए। अखिलेश प्रताप सिंह, साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है या माफी मांगिए। अखिलेश प्रताप सिंह, साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है या माफी मांगिए। कौन डॉक्टरिंग दिखा रहा है, या माफी मांगिए या साबित कीजिए। इतने पीड़ित हो गए आप बोले तो मैं बोलूं, आप साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है यहाँ पर या माफी मांगिए। आप बोल चुके, मैं जवाब दूं? बोलिए। अरे आप जवाब ले लीजिए, जवाब दूं? देखिए,
सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पे तमाम तरह की ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप गांव में लेके ट्विटर नाई की दुकान है सर, हजार तरह की जानकारी आती है, वेरीफाई करके लेके आया कीजिए, वरना पार्टी प्रवक्ता का पद छोड़ दीजिए। कहिए कि मैं नाई की दुकान से आई चीजों को लेकर टीवी पे बैठता हूँ, समझे आप इस बात को? वो डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, जहां काम किसका है, वो समाज को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, सोसाइटी को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्ट्रिन करके ऐसा कर रहा है। ऑथेंटिकेटेड वीडियो रखा है जो आपके राजनीतिक सोच को, सरकार आपके पक्ष को आज पूरी तरह से बेनकाब कर रहा है, नंगा कर रहा है। आप माफी नहीं मांग रहे हैं, ये बात साफ तौर पर लोगों को समझ में आ रही है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप साबित कर लीजिए कि आप डॉक्टरिंग वीडियो, आप साबित कर दीजिए वीडियो डॉक्टर था, या फिर माफी मांग लीजिए। कई सोशल मीडिया पे नाम बताइए, मीडिया पे नाम बताइए, डॉक्ट्रिन नाम बताइए, नाम बताइए, एडिटर्स नाम बताइए, तमाम एडिटर्स नाम बताइए, किसने लिखा, पत्रकार नाम बताइए, ट्वीट कर रहे हैं, साबित कीजिए, लैब में लेकर जाइए, साबित कीजिए, लैब में लेकर जाइए, कोर्ट में खड़े होइए, साबित कीजिए कि उसमें कोई डॉक्टरिंग की गई है, कौन चेक करेगा, साबित कीजिए ना उसमें डॉक्टरिंग की गई है, नहीं तो माफी मांगिए। सुनिए सुनिए, साबित कीजिए डॉक्टरिंग हुई है, नहीं तो माफी मांगिए। अखिलेश जी माफी मांगिए, घर जाइए। फिर भाई माफी मांगने की बात कर रहे हैं, माफी आप मांगिए। मैं क्यों मांगू, हम सच दिखा रहे हैं और हम डरते नहीं है किसी से, इस बात को याद रखिएगा। भास्कर मैं मुद्दा रख रहा हूँ, आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आप मैं मुद्दा रख रहा हूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्विटर थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। मैं एक मुद्दा, वो नाई की दुकान है जहाँ 50 तरह की बातें आती है और वहाँ से आई चीजों को वेरीफाई कर लिया कीजिए, उसके बाद कहीं बैठ के बोलिया कीजिए, वरना ऐसी फजीहत होती रहेगी। बड़े बड़े एडिटरों ने, बड़े बड़े एडिटरों ने ट्वीट सर, बड़े बड़े एडिटर गांधी परिवार के लिए भी बहुत कुछ लिखते हैं, चला दे सब लाकर कि ये डॉक्टर, बड़े बड़े एडिटर गांधी परिवार के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, सब चलाने लगे हैं बैठकर हम लोग। सरकार जांच के बतावे ना, नहीं सब चलाने लगे क्या, बड़े बड़े एडिटरों ने लिखा इसलिए चला दे रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप आपने डॉक्ट्रिन किया, आप दूसरों की बातें पढ़कर कहीं से भी कुछ भी उठाकर अपनी राय बनाते हैं, उसको पार्टी की नीति बता देते हैं। नहीं, 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 हम एक जिम्मेदार चैनल हैं अखिलेश प्रताप सिंह, समाज से, और हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा अगली बार बोलने से पहले। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।